कुछ रीत जगत की ऐसी है। ज्ञान क्या सिर्फ दूसरों को बांटने के लिए ही होता है? आप ही तो हमेशा कहते हैं पछड़ी एटले सोड़ तणाई, तो अब क्या हुआ? याद है ना, ब्याज चुकाने के लिए जब पैसे नहीं थे तब खेत बिकने वाली थी, तो अब क्या बेचोगे, ये घर या मुझे? ये तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तुम्ही ने कहा था ना कि नंदिनी की शादी उसी घर में होनी चाहिए, तुम्ही ने मेहुल से कहा था ना कि ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, अब चलने दो जैसा चल रहा है, देखा जाएगा बाद में, देखा जाएगा। तो सर आपका इंडियन मेन्यू फाइनल है? बिल्कुल फाइनल भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3 घंटे से हम इसी को डिसाइड करने पे लगे हुए हैं। तो सर एक और डिश ले लेते हैं, एक्सोटिक है, पनीर इन सोया बेसिल सॉस। हैं? सर एक्सोटिक है। नंदू बेटा क्या है ये, पनीर इन सोए बेसिल सॉस? पनीर तो समझ में आ गया, ये बेसिल क्या है और ये सब्जी में सॉस कौन डालता है? मामा ये एग्जॉटिक डिश है और ये बेसिल ना। अरे बेसिल में समझ गया बेटा, तुलसी ना। हाँ मतलब तुलसी को इंग्लिश में बेसिल बोलते, पर ये बेसिल और तुलसी अलग है, ये जब खाने में डालते तो ना इसका फ्लेवर। एक सेकंड, ठीक है बेटा तू जो करना है कर ले, देख मैंने इंडियन फाइनल कर लिया है, ठीक है, बाकी एग्जॉटिक रोबोटिक वो सब देख ले, मैं जरूरी काम करके आता हूँ। तो ये एग्जॉटिक डिश फाइनल करते हैं। जी सर जी। ईश्वर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। ईश्वर भाई मैं चाहता हूँ कि वो खेतों वाली गिफ्ट डीड है वो शादी की रस्म से पहले साइन हो जाए तो बेहतर होगा। शादी के दिन कैसे हो पाएगी? ईश्वर भाई सब हो जाएगा, यही तो मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी? हेमराज भाई प्रायोरिटी तो नंदिनी और नरेन की शादी है ना। ईश्वर भाई शादी प्रायोरिटी बेस पर करने का जोर मैंने ही दिया था, और ये पेपर साइन करना वो भी शादी की रस्म का एक हिस्सा ही तो है। जी जी चिंता मत करना, शादी से पहले हम लोग रजिस्ट्रार की ऑफिस पर जाकर साइन कर लेंगे। जी बिल्कुल। और एक खास बात, समाज के प्रमुख होने के नाते मैंने बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन दिया है, तुम्हारी तो इज्जत का ख्याल रखना। जी जी आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, सब हो जाएगा। अच्छा और वो होटल बुकिंग? होटल का हाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया है, ग्रीन सैंड में किया है हम लोगों ने। अच्छा अच्छा तो आते हैं बारात लेकर। जी ईश्वर दामरिया शादी तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, मेरी प्रायोरिटी तो हाईवे से लगी तुम्हारी जमीन है। मामा मैं तो अभी भी कहूंगी हमारे समाज भवन में कोई खराबी नहीं। तो फिर शुरू हो गई, तुझे बोला था ना मैंने हैं कि मेहुल की जान पहचान वाला है विधायक, वो डिस्काउंट दे रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? पर मामा। क्या मामा? अरे भाई शादी के टाइम पे थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ना बेटा, हैं? तो वो खर्चा मुझे करने देना, तू सिर्फ नरेन कुमार के बारे में सोच, ठीक है ना? ठीक है मामा। मामा शुदायु पानी लाओ एक मिनट। हेलो पानी पियो। डॉक्टर ने फोन करो। बाबा बस ठीक है ठीक है। अरे तू क्या कर रही है? तू भी रख इसको, कुछ नहीं हुआ मुझे, देख बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ऐसा सफोकेशन हो गया था, बाकी सब ठीक है, देख अरे बिल्कुल फिट हूँ, देख तू खाली नंदू तो थोड़ा बहुत टेंशन लेने दे मामा को, है ना? अरे भाई तभी तो जिस दिन तेरी विदाई होगी मैं कह पाऊंगा गई। पाकू ने पाकू पाकू चल 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 चल, अब टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, एक दो फोन और करने मुझे।
आपकी दवाई अनसुया बहन। ओहो हो, गंगा शादी ब्याह का माहौल है, तू बैठ मेरे साथ, कंपनी दे मुझे, चल। इतना काम पड़ा हुआ है अनसुया बहन, सब निपटा के जरूर आऊंगी। हाँ मेरी आंखें हैं तू, हाँ याद रखना, जल्दी आ जा, जा। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। ये तैयारी, ये चकाचौंध, ये रिश्तेदारी जो होने जा रही है, ये तो केवल एक बिजनेस डील है। चलो हेमराज रतन सिंह, इस रिश्ते की भी बोली लगाई जाए। चलो चलो छोकरियों, जगह खाली करो, मुझे नंदिनी को खाना खिलाना है। बैठ नंदिनी। विशाखा तू भी आ जा, नंदिनी को थोड़ा अच्छा लगेगा, आ जा और शांति से खाना खा ले, कुछ मत सोच। आज मेरे हाथ से खाना खिलाऊंगी, तूने मेरी बहुत सेवा की है नंदिनी। काका, ये मेहुल तो रुक, तेरे लिए काम था बेटा। काका ये सुनो, ये पेपर स्कैन करके लेके आया हूँ, अभी आप इसे संभाल के रख दीजिए अपने पास। काका नहीं नहीं तू रख इसे अपने पास, संभाल प्लीज, तू रुक। के डॉक्यूमेंट्स हैं मेहुल, ये भी तो संभाल के रख। नहीं काका, आप रखिए इसको संभाल के, रखना मेहुल। काका अल्लाह पे पका, मैं रख के क्या करूंगा, पर यहां कहीं किसी ने देख लिया, मणि ने या नंदो किसी ने, तो मैं जवाब क्या दूंगा। वैसे भी अब ये
इमराज भाई की अमानत है, जब कहेंगे साइन करके दे दूंगा उसके नए मालिक को। चलना भाई, बहुत काम पड़े हुए हैं अभी। हाँ मेहुल, आराम से जाना संभल के, ठीक है? हाँ। परेशानी नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, ठीक हूँ। आप ठीक हूँ? मैं ठीक हूँ। पक्का? पक्का। अरे मेहुल भाई, ये प्रसंग छोड़कर कहाँ जा रहे हो? प्रसंग? तुम लोग मनाओ ना, मुझे प्रसंग की तैयारी करने जानी है ना, बहुत काम बाकी है, आता हूँ। अरे पर नंदिनी, तू खाने में ध्यान दो। पार्वती बहन, मैं आपके वहाँ ही जा रही थी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे, बाजोट और चलो। हाँ हाँ चलो चलो। विशाखा मुझे बहुत प्यास लगी, पानी लेकर आना। मैं एक मिनट लेकर। विशाखा तेरे हाथ में क्या लगा है? नंदी प्लीज बैठ, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं बा, मैं किसी और को बोलती हूँ, आप रहने दो। अरे नंदिनी, तूने मेरे पैरों पे इतना मालिश किया है ना कि मेरे पैर इतने मजबूत हो गए। हाँ चिंता मत कर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.